अगली खबर की बात करते हैं। चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आने वाली नर्सों ने भोपाल स्थित लेडी अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। नर्सें अपने साल भर से रुके हुए इंक्रीमेंट की मांग कर रही थी। नर्सों का कहना है, हमारा रुका इंक्रीमेंट हमें तत्काल दिया जाए, एक हफ्ते के अंदर इंक्रीमेंट नहीं मिलने पर नर्सों ने प्रशासन को उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। जी, हमारी मांगे है कि 3 और 4 इंक्रीमेंट जैसे रीवा और अन्य कॉलेजों में लगाया गया है, वो यहाँ भोपाल और सागर और इंदौर कॉलेजों में भी लगाया जाए। मतलब इस तरह की विसंगति नहीं होनी चाहिए ना, एक कॉलेज में आप दे रहे हो, दूसरे कॉलेज में नहीं दे रहे हो। और उसके अलावा प्लान नंबर जो है, जिसके लिए हमारे हमारी सैलरी से हर महीने पैसे कटते हैं, लेकिन वो हमको अकाउंट नंबर इशू नहीं है, वो कहाँ जा रहा है उसके बारे में कोई डिटेल हमारे पास नहीं है, प्लान नंबर इशू नहीं है। उसके अलावा विसंगति बहुत सारी, जो पिछले साल इंक्रीमेंट नहीं दिया, ये इंक्रीमेंट का टाइम आ गया, दिए नहीं दे रहे, किसी तरह कोई सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग की नर्सेज बहनों का जो बरसों से लंबित मांगे चली आ रही हैं, कई बार अधिकारियों से चर्चा हुई है, माननीय मंत्री जी से भी चर्चा हुई है, मुझे कार्रवाई विवरण भी दिया गया है, परंतु विभाग के अधिकारियों द्वारा अभी तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं, ना ही प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही इनकी लंबित मांगे जो है ना, अनार्थिक है, नाम परिवर्तन इनका कर दिया जाए, स्टाफ नर्स का, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सिस्टर का सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, दूसरा इनका सेकंड ग्रेड पे है वो दे दिया जाए, अन्य राज्यों में दे दिया गया है, तीसरा इनका नाइट अलाउंस है, चिकित्सकों को दिया जा रहा है, हमारे जो पैरामेडिकल कर्मचारी है उनको नहीं दिया जा रहा है, वो दिया जाए। साथ ही उनका 3 और 4 इंक्रीमेंट जो मेडिकल कॉलेज में ग्वालियर और रीवा में दिया जा रहा है, लेकिन अन्य मेडिकल कॉलेज में नहीं दिया जा रहा। आपने सरकार को तो फिलहाल इस बुलेटिन